गुड मॉर्निंग एवरीवन. पॉलीनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं और हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का. क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स और लीनियर पॉलीनोमियल्स का जीरोज फाइंड आउट करने सीखा था. तो आज हम लोग जीरोज भी फाइंड आउट करेंगे और हम लोग वेरीफाई भी करेंगे कि इसके रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट हम लोग किस तरह से वेरीफाई करते हैं, यह भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को सबसे पहले बच्चों हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट पी एक्स, हम लोग सपोज करेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8. जैसा क्लास 9 में आप लोग पढ़ा था सेम उसी तरह से हम लोग जो है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे. मैं थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर दूं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा उसको आप यहाँ पर राइट कर लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको आप यहाँ राइट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए. और ये जो मल्टीप्लीकेशन से हम लोग को जो प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट को हम लोग को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि इन 2 पार्ट्स का प्लस और माइनस हम लोग का मिडिल टर्म मिलना चाहिए. जिस तरह से यहाँ पर 4 × 2 करने से हम लोग को क्या मिलेगा, 8 मिलेगा. और यहाँ पर हम लोग को माइनस 2 लाना है, सो हम लोग यहाँ पर इसको माइनस 4 + 2 राइट कर सकते हैं जिससे रिजल्ट हम लोग को माइनस 2 मिलेगा. तो आप यहाँ पर इसको फिर रीअरेंज कर लीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस 2x जो है इसको हम लोग क्या किस तरह से स्प्लिट करेंगे, माइनस 4x एंड प्लस 2x और माइनस 8, इस तरह से हम लोग स्प्लिट कर दिए. अब देखिए यहाँ पर हमको जो है वो 4 टर्म्स मिल गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. देखिए ये इसको हम लोग इस तरह से अरेंज करते हैं तो यहाँ पर x आप इजी से कॉमन ले सकते हैं तो हम लोगों को x इंटू एक्स माइनस 4 मिलता है. और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर प्लस और 2 यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो सेम हम लोगों का x माइनस 4 मिलता है, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में हम लोगों को जो मिल रहा है वो दोनों हम लोग का क्या है, सेम है. इसका मतलब नेक्स्ट में जब भी हम लोग इसको करेंगे तो ये दोनों हम लोगों को मैच होना चाहिए. अब यहाँ पर इसको हम लोग फिर अगेन अगर कॉमन ले ले ये दोनों जो ब्रैकेट में है तो हम लोगों को x माइनस 4 और x प्लस 4 हम लोगों को मिलेगा. जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल जब हम लोग फाइंड आउट किए तो हम लोग ये सीखे थे उसमें कि जो भी पॉलीनोमियल गिवन होगा उसका जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉलीनोमियल्स को ही जीरो बना देंगे. और फिर अगेन जो हम लोगों को मिला इसको हम लोग राइट करने से हम लोग को फाइनली जो जीरोज मिलेगा वो हम लोग को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 मिलेगा और माइनस 2 मिलेगा. इसी को हम लोगों ने अल्फा और बीटा वहां पर लिया था. तो ये मेरा अल्फा हो गया और ये मेरा बीटा हो गया. ठीक है बच्चों, इसको अल्फा में राइट कर देता हूँ और ये मेरा बीटा हो गया, इसको आप याद रखिएगा. तो यहाँ पर पहला जो हम लोग का पोर्शन है जिसमें हम लोगों को पूछा गया है फाइंड द जीरोज, तो हम लोगों को जीरोज जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हम लोगों ने निकाल दिया है 4 और माइनस 2. बट क्या ये राइट है या फिर रॉन्ग है इसको हम लोग चेक करते हैं. तो चेक करने के लिए हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़े थे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है, जहां पर हम लोग 4 और माइनस 2 लाए. तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं 4 + -2 इज इक्वल टू माइनस और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 2 है. तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस 2 राइट कर लीजिए और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ आप 1 राइट कर लीजिए. इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 4 - 2 आपको 2 मिलेगा और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 2 मिलता है. तो ये आपको यहाँ पर वेरीफाई होता है दोनों आपका जो है वो आपके इक्वल होते हैं. अब नेक्स्ट हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, यहाँ पर जीरोज आपका 4 और माइनस 2 है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ आपका माइनस 8 है, यहाँ माइनस 8 बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 है. तो दोनों को आप ध्यान से देखिए, ये आपके यहाँ पर भी वेरीफाई आपके होते हैं. यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 हम लोगों को फाइनली मिलता है. तो दोनों वेरिफिकेशन हम लोगों को जीरोज जो है वो हो जाता है. हम लोग इजी से इसको इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, आपको अच्छा से केवल फैक्टराइजेशन आना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का है 4x² - 4x + 1. आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग पी एक्स नहीं, यहाँ पर वेरिएबल हम लोग का एस है तो हम लोग p
पी एस इज इक्वल टू हम लोग राइट करेंगे इसे आपके पॉलिनोमियल्स को, यही आपको याद रखना है, यहाँ पर एक्स मत राइट कर दीजिए अगर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको फैक्टर करना है, सेम इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, फोर इंटू वन होगा, यहाँ पर एस स्क्वायर का कॉफिशियंट आपका फोर है और कॉन्स्टेंट आपका वन है, मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग को फोर लाना है और इसको इसे दो प्रोडक्ट में मल्टीप्लीकेशन मतलब टू पार्ट में डिवाइड करना है आपको कि हम लोगों का मिडिल टर्म आए। तो यहाँ पर टू टू का फोर हो सकता है, ठीक है बच्चों। और फोर लाने के लिए अगर दोनों में माइनस लगा दे और इसको ऐड करें तो हम लोग को माइनस फोर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस और प्लस वन, और इजी से हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, टू इंटू टू फोर एस स्क्वायर और माइनस वन। और यहाँ पर ध्यान से देखिए इसी टर्म को अभी सीखा था हम लोगों ने, ये दोनों सेम रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ राइट कर लू यहाँ माइनस वन आ जाएगा, तो हम लोगों को 2s माइनस वन और 2s माइनस वन ये हम लोगों को फैक्टर मिला। और यहाँ पर हम लोगों का जो पॉलिनोमियल्स है वो जीरो होना चाहिए, तो 2s माइनस वन और 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो हम लोगों को जो मिलेगा वहां ध्यान से देखिए यहाँ पर s इज इक्वल टू वन बाई टू वन बाई टू डब्लिंग आपको मिल गया। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये जो सेम आ गया क्या ये राइट है या फिर नहीं है। तो सम ऑफ जीरोज हम लोगों को फाइंड आउट करना है, सेम इसी तरह से सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, ये इसी चीज को आप यहाँ पर राइट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा वन बाई टू है और बीटा वन बाई टू है, ठीक है बच्चों। और माइनस बी, बी मेरा माइनस फोर है, यहाँ पर राइट कर लीजिए माइनस फोर बाई फोर, ये यहाँ पर फोर है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ तो वन मिलेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पर भी ध्यान से देखिए यहाँ आपको वन मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए ये वेरीफाइड हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा आपका वन बाई टू है और बीटा भी आपका वन बाई टू है, सी कॉन्स्टेंट टर्म आपका वन है और यहाँ पर ए जो है वो आपका फोर है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये भी आपका जो है वो वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से बहुत ही इजी से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आपको फैक्टराइजेशन अच्छा से आना चाहिए। तो और भी जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पर वही क्वेश्चन में आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग करेंगे। लेकिन जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने होमवर्क दिया था तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो फर्स्ट थ्री स्टूडेंट्स कौन है जिन्होंने सबसे पहले कमेंट्स किया था और राइट आंसर दिया था। एक स्टूडेंट तो मुझे वहां पर आंसर भी अब मेरे व्हाट्सएप में भेजा है, व्हाट्सएप में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर भी आप उसको सेंड कर सकते हैं आपका आंसर, मैं उसको चेक करके आपको जरूर आपको सेंड करूंगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया था लास्ट में वो था सो दैट टू थ्री वन बाई टू आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन एक्स माइनस सिक्स एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ये आप लोगों को होमवर्क मिला था और जो सबसे पहला तीन कॉमेंट हमको मिला है वो है अर्जुन प्रसाद, यश कुमार और साक्षी एंड अंशुका, कॉन्ग्रेचुलेशन इन तीनों स्टूडेंट्स को। आई होप आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप होमवर्क करते रहिए और आप लोगों का नेक्स्ट होमवर्क जो है ये देखिए, ये साक्षी कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये कॉपी मैंने चेक किया और आपका जो नंबर है जिसमें आपने मुझे व्हाट्सएप नंबर भेजा था मैंने आपको सेंड भी किया है कॉपी चेक करके। तो ये आप रेगुलर करते रहिए ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी जो है वो अच्छा से स्ट्रांग हो और हमसे भी कम्युनिकेशन आपका होते रहे। ठीक है, आपका होमवर्क टाइम आ गया, ये आपका क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड पॉलीनोमियल्स। ये दोनों क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बोर्ड में ज्यादातर एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है तो जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स कीजिए कि ये आपका आंसर क्या होने वाला है, इसका जीरोस क्या होगा। वेरिफिकेशन तो आप उसको व्हाट्सएप में भी मेरा सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां पर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप वहां पर सेंड कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो फर्स्ट थ्री जो आंसर देंगे उनका मैं अनाउंस करूंगा और उसका नाम जरूर लूंगा, ठीक है बच्चों।
तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू।